पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक ग्रुप की जानिब से दुनिया के मखसूस सकाफत के हामिल कैलाश लोगों में तहाइफ तकसीम किए गए और इनकी तरक्की के लिए आने वाले वक्तों में बहुत कुछ करने का इरादा रखती है। मज़ीद तफसीलात के लिए जानते हैं गुलामात फारूकी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक ग्रुप की जानिब से कैलाश लोगों में तहाइफ तकसीम किए गए ताकि ये लोग दिसंबर में आने वाले मजहबी त्यौहार चतरमस के मौके पर नए कपड़े पहन सकें। करवानी सफिरानी अमन और मोहब्बत के नाम पर 26 रुकनी वफद ने कुमराट, चतराल और वादी कैलाश का दौरा किया। वादी कैलाश में मुरैत में एक मुख्तसर तकरीब भी मुनाकिद की गई जिसमें ऑस्ट्रेलिया में मुकीम ज़ीशान रज़ा जो PASG के सदर है उनकी नुमाइंदगी करते हुए सत्येंद्र रज़ा लोधी कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान ने कहा कि अभी ये शुरुआत है और आने वाले वक्तों में PASG कैलाश लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ करने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि कैलाश की वफद को ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को वादी कैलाश बुलाया जाएगा ताकि दोनों ममालिक के लोगों में हमाहंगी पैदा हो। उन्होंने कहा कि इनका तंजीम कैलाश तलबा और तलबात के लिए पेशावर और इस्लामाबाद में हॉस्टल भी बनाने का इरादा रखता है ताकि ये लोग आसानी से आला तालीम हासिल कर सके। इस तकरीब में कैलाश लोगों और उनके मजहबी रहनुमा मर्द और ख्वातीन काजियों को भी तहाइफ दिए गए। चतराल में इस तंजीम के कोऑर्डिनेटर सैयद हरीर शाह कैलाश लोगों के तमाम मसाइल के बारे में निशान रजा और तंजीम के अराकीन को आगाह करता रहेगा। मेहमानों के आजाद में कैलाश खवातीन ने सकाफती शो का भी एहतमाम किया। इस तंजीम के अराकीन ने बमुरित में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में वाक का भी एहतमाम किया और पौधे लगाकर ये पैगाम दिया कि आइंदा इस हसीन वादी में आने वाले वफद या सयाह अगर पौधे लगाते रहेंगे तो इस तरीके से बहुत जल्द जंगलात की कमी पर काबू पाया जाएगा। वाजह है कि इस तंजीम में प्रोफेसर डॉक्टर माहिरीन तालीम ब्यूरोक्रेट्स और आला पेशों से वाबस्ता इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हैं जो रजाकाराना तौर पर वतन अजीज के नाम रोशन करने के लिए ग्रां कदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये कारवान कैलाश के दौरा करने के बाद स्वात रवाना हुआ जिनका मकसद इस खत्ते में सियाहत अमन रवादारी और भाईचारे की फिजा को फरोह देना है। अहमदादा गुलाम फारूकी 94 न्यूज़ चतराल।